सरगोधा के बाद खबर शामिल करते चले खुश आपसे। जहां मवेशी मंडी तो सज गई लेकिन रेट सुनकर खरीदार परेशान, इसी हवाले से मज़ीद दिखा रहे हैं बिग न्यूज़ के नुमाइंदे बशीर हुसैन अपनी इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, आज मैं डिस्ट्रिक्ट कुशाब की बकर मंडी में मौजूद हूं और यहां पे लोग सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। तो आइए मंडी के व्यापारियों से बात करते हैं कि इस दफा मंडी की क्या पोजीशन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या है आपका भाई? वाहिद भाई। वाहिद भाई साहब, आप मुझे ये बताएं कि इस दफा मंडी की क्या पोजीशन है, महंगाई है या नहीं? पाव कीमत घट। अच्छा, आपका जो आप भाई से पूरे नहीं थे। अच्छा, तो आप जो बकरा लेके आए हैं या जो भी लेके आए हैं उसकी क्या कीमत है, आपके बकरे की क्या कीमत है? 1,25,000। 1,25,000 का अंकल जी का बकरा है। मेरा कैमरामैन आपको दिखाता है, अभी तक इसको कोई भी ग्राहक नहीं लगा। घाट मूल्य देता है। अच्छा, घाट कीमत 1,25,000 का है और इतने ही कहते हैं कि ये हमने काम खरीद लेना है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया वैद्य भाई साहब, थैंक यू। जी नाजरीन, तो कस्टमर से बात करते हैं कि इन्होंने कितने पैसों की ये कुर्बानी खरीदी है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कहाँ से आए हैं आप भाई? मैं टाला से आए हैं आप। तो क्या नाम है आपका? सवर अब्बास। आप मुझे ये बताएं कि सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए ये कुर्बानी आपने कितने की खरीदी है? सर 14,600। 14,600 की खरीदी है आपने। चलो, अल्लाह पाक आपकी कुर्बानी है। और आप मुझे ये बताएं आपके लास्ट साल में क्या महंगाई की पोजीशन थी और इस साल में महंगाई की क्या पोजीशन है? अच्छा, 14,600। 23,000, 24,000। आप यहाँ पे कितने टाइम से आए हुए हैं? डेढ़ घंटा। अच्छा, 1.5 घंटा हो गया। तो अब जाके आपको पसंद आया और आपके ये आपने लिया है? जी। चलो, अल्लाह पाक आपकी कुर्बानी कबूल करे, बहुत शुक्रिया, थैंक यू भाई। कस्टमर से बात करते हैं, ये कह रहे हैं हम सुबह से आए हुए हैं, जिसको भी हाथ लगाते हैं कोई 70,000 मांगता है, कोई 80,000 मांगता है। तो इनसे बात करते हैं कि अभी तक आपका सौदा क्यों नहीं बना, महंगाई की क्या पोजीशन है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। क्या नाम है आपका सर? फारूक काजी मेरा नाम है जी। आप कहाँ से आए हैं? मैं इधर ओपल से ही आया हूँ। तो क्या पोजीशन है आपको, क्यों नहीं कोई आग लगी हुई है? जी आग लगी हुई है, सुबह 6 बजे के आए हैं। अच्छा, अभी तक किसी किस्म जिस चीज को भी हाथ लगाते हैं ना, 30,000 से कम कोई चीज नहीं है। अच्छा जी। हाँ जी, इतनी महंगाई है यहाँ पे, रेट बहुत ज्यादा हाई, बहुत ज्यादा है। एक बकरा इधर हमने देखा है, उसका तकरीबन 15-16 किलो वजन होगा और 50,000 मांग रहा है। अच्छा, ठीक है। अभी तक आपका कोई सौदा नहीं बना? 6 बजे के आए हुए हैं, ये भाई साथ हैं, ये भाई साथ हैं, इधर हम फिर रहे हैं, कोई मिल नहीं रही। अच्छा, लेने के लिए। लास्ट ईयर में क्या पोजीशन थी महंगाई की? लास्ट ईयर और इस ईयर में तकरीबन आप इस तरह करें कि 2+2 हो चुका है। अच्छा, ठीक हो गया। प्लस में चीजें जा रही है, माइनस में कोई चीज अभी मिल भी नहीं रही। ठीक हो गया ना, पिछली ये हर संडे को ना इधर ये मंडी मवेशियाँ लगती है। जी जी जी, ये पिछली से पिछली, उससे पिछली, उससे आगे जो भी चलती है ना सिस्टम, प्लस में चीज जा रही है, माइनस में कोई नहीं आ रही। चले, ठीक हो गया फारूक साहब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको अच्छी सी कुर्बानी दे और आप सुन्नत इब्राहिमी पूरी तरह से अदा कर सके। आपकी दुआओं से कोई मिले तो मिल सकती है, अदरवाइज मेरे ख्याल में चांस कोई नहीं। शुक्रिया, थैंक यू जी। नाजरीन, तो कस्टमर से बात करते हैं कि सुबह से ये यहाँ पे आए हुए हैं, इनको भी कोई भी अभी तक इनका कोई सौदा नहीं बना, गर्मी भी बहुत ज्यादा है, सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए लोग खरीदो फरोख्त भी कर रहे हैं। तो आइए नाजरीन इनसे बात करते हैं कि अभी तक आपका सौदा क्यों नहीं बना। अस्सलाम वालेकुम। आप कहाँ से आए भाई? लुकु से आए हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शेर। मोहम्मद शेर, आप मुझे ये बताएं कि आपने कोई कुर्बानी ली है या नहीं ली? भाई सुबह में आया 4 बजे। अच्छा, अजय खड़े हैं, सही नजर ये था भाई, 10,000, 12,000, 15,000 तो होती ले ले, ठीक है, 35,000, 35,000, 40,000 महंगाई की वजह है। फिर पेट्रोल अपड़ गया 120 रुपए थे, डीजल अपड़ गया 20 रुपए थे, चीनी 70-80 रुपए 15 रुपए किलो नाल बढ़ गई, इस वजह तो वैसे नहीं ले सकते, मजबूर हो कैसे हम वापस चले, इतनी महंगाई हो गई यार, कोई इंसान नहीं है थे। इसका कहना ये है कि मेरी हैसियत 10-12 हजार की थी, तो जिसको भी मैं हाथ लगाता हूँ कोई 15,000 मांगता है, कोई 20,000 मांगता है, इसकी वजह से इसका कोई सौदा नहीं बना। तो ये कह रहा है भाई जान कि मैं वापस जा रहा हूँ, ऐसी बात है? बिल्कुल, महंगाई थी वजह। चले, अल्लाह पाक आपको कोई मजीद अच्छी सी कुर्बानी देगा, तकवा रखें। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू भाई।